हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जो शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है CES लिमिटेड। ये एक IT सेक्टर की कंपनी है। यदि मैं इसके करंट प्राइस की बात करूँ तो शेयर फिलहाल 32 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आज हमें इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 3% की तेज़ी देखने को मिली है। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही। जी हाँ, इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही। इसके अंदर सिर्फ वीक में एक ही दिन ट्रेडिंग होती है, वो शायद मंडे को ही होती है। आज भी इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। जो प्रीवियस क्लोज था वो 31 का था और आज इसके अंदर हमें 1 पैसे की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही, इसका भी हम आपको रीज़न बता देते हैं। इसके अंदर ट्रेडिंग ना होने की जो न्यूज़ है वो ये है, आप इसको यहाँ से वीडियो को पॉज कर पूरा पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही बता देता हूँ। सेबी ने इसको 9 महीने के लिए क्लोज कर दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। जी हाँ, आप देख सकते हो इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, उसी कारण इसको 9 महीने के लिए क्लोज्ड कर दिया गया है। आप यहाँ से पढ़ो, कंपनी विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम सैटरडे 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी 2022 से इसको क्लोज कर दिया गया है। जो क्लोज्ड किया गया है वो 9 मंथ के लिए किया गया है। जी हाँ, इसको 9 मंथ के लिए क्लोज्ड कर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज कर इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ लेना। यही इसका रीज़न है कि ये कंपनी ट्रेडिंग करते नहीं दिख रही। जैसे ही 9 महीने के बाद इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये शेयर बाय होने लग जाएंगे और आप इसको बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको ये 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रखने हैं। 2 से 3 साल के बाद ही आपको इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपको इसे 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। फिलहाल इसके अंदर वीक में सिर्फ एक ही दिन ट्रेडिंग होती है, वो शायद मंडे को होती है, तो आप मंडे को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके अंदर 9 महीने के बाद ही रेगुलर ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।